हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्फेसिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16th अगस्त 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एम्फेसिस में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.10% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2373.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ट्यूसडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में ट्यूसडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो है देखने मिल रहा है। कैंडल भी यहाँ पे जो है स्मॉल साइज की बनी और नीचे के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूं आरएसआई की, 56-57 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, यहाँ पे ट्यूसडे के लिए तो जरूर मैं बना के चार्ट में बात करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव साइड का बन रहा है। स्टॉक हमें अपसाइड मोमेंट जरूर जो है देने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मोमेंट जो है 2442 के आसपास देखने मिलेगा। अगर उसको स्टॉक क्रॉस करेगा स्टॉक में इजिली 2503 के आसपास यहाँ पे मोमेंट देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे इवन तो हमारा ओपिनियन जरूर आने वाले दिनों के लिए अपसाइड का है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड नेगेटिव है आपको जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। करंटली यहाँ पे लॉन्ग के लिए थोड़ा सा वेट करें, जब तक 20 EMA जो है यहाँ पे क्रॉस ना करे 50 EMA को, तब तक यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा आप कोई भी बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। यहाँ पे जितना हो सके आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे क्योंकि वहीं पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर जो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम कुछ भी शुरू करना तो नीचे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप जाके शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं स्टॉक में हमें ट्यूसडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो ये हमारा जो है 1 आवर का चार्ट हमने ओपन करके रखा है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें नया जो है डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं जरूर मार्क करके रख देता हूँ और फिर यहाँ पे बात करेंगे इसके क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, दोनों साइड का हमें डेटा देखने मिले कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं 2373 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 2351 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनता है 2381 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2331 का, उसके बाद का 2303 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 2415 का, उसके बाद का 2446 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे ट्यूजडे के दिन का जो है ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे ट्यूसडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक न्यूट्रल सा है। मतलब यहाँ पे ज्यादा मोमेंट हमें अपसाइड का जो जरूर देखने नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल मेरा ओपिनियन 2381 से 2415 के रेंज में एक पॉजिटिव क्लोजिंग का जरूर यहाँ पे जो वो बन रहा है। मतलब इस रेंज में हमें जरूर जो क्लोजिंग देखने
मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में जो है कल के दिन मतलब ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।